नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। इससे पहले हमने पोल्स पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इंसुलेटर हमारे पास पिन टाइप होते हैं, ठीक है ना, सस्पेंशन टाइप होते हैं, ठीक है, शैकल टाइप होते हैं, स्ट्रेन टाइप होते हैं और स्टे टाइप होते हैं। स्टे वायर में जो इंसुलेटर लगता है वो स्टे टाइप का होता है। अब सबसे पहले समझते हैं इंसुलेटर की जरूरत क्यों पड़ी। इंसुलेटर की जरूरत क्यों पड़ी है, इंसुलेटर की जरूरत हमें पड़ी है लीकेज करंट से बचने के लिए। क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, मान लो कोई हमारा पोल है, ये हमारा कोई पोल है, ये बनाया हुआ है आयरन और स्टील का। अब मान लो यहां से कंडक्टर सीधा आ जाता बिना इंसुलेटर के, तो क्या होगा, लीकेज करंट यहां से फ्लो करना शुरू कर देगा। इस लीकेज करंट को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हमने इंसुलेटर का प्रयोग किया, तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे इंसुलेटर लगा देते हैं, ये लीकेज करंट को बचा देता है। अब बनावट के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं, अब इनकी जरा बनावट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इकोनॉमिकल छोटा इंसुलेटर जो हमारे पास होता है, ठीक है ना, और जब से ओल्डेस्ट फॉर्म है इंसुलेटर की, वो है पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर कैसा इंसुलेटर होता है, पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, ये है क्रॉस आर्म, पोल को, पोल में जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंसुलेटर्स को वो क्रॉस आर्म होते हैं। ठीक है ना, क्रॉस आर्म पे ये लग रखा है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें एक ना ग्रूव होती है बीच में। ग्रूव क्या होता है, एक थोड़ा सा खड्डा सा होता है, ये इंसुलेटर बना हुआ है, यहां पे थोड़ा सा खड्डा सा है, इसके थ्रू हम, इसके अंदर से हम कंडक्टर को पहुंचाते हैं। ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, अंदर से इस ग्रूव के अंदर से फिटिंग होती है कंडक्टर की, और ये कंडक्टर जो होता है बेसिकली ये एक वायर होती है ऐसे ऊपर से, ये देखो ये ऐसे ऐसे जा रही है, बांध रखा है इसको, जिस वायर से इस कंडक्टर को इंसुलेटर के ऊपर बांधा होता है उसको बोलते हैं बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर। ठीक है, बाइंडिंग वायर का काम क्या होता है, इंसुलेटर को अपनी तरफ मतलब पकड़ बनाए रखना, ठीक है ना, गिरने नहीं देती, कंडक्टर को इंसुलेटर से जोड़ के रखना, उसको बोलते हैं बाइंडिंग वायर। ठीक है, इससे परमानेंटली कनेक्ट होता है। ठीक है, और छोटा सा होता है हमारा पिन टाइप इंसुलेटर, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स पे यूज होता है। ठीक है ना, बड़ी ट्रांसमिशन लाइन पे कभी नहीं यूज होता, बहुत ही लो वोल्टेज लेवल के लिए यूज होता है। नीचे क्रॉस आर्म होती है, ऊपर हमारे पास बाइंडिंग वायर होती है, और यहां से हमारे पास कंडक्टर जाता है इसके थ्रू। ठीक है, अब एक और बात कि पिन टाइप इंसुलेटर बेसिकली बना किससे होता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर ना पोर्सलेन से बना होता है, छोड़ो हर कोई इंसुलेटर पोर्सलेन से बना होता है, पोर्सलेन मटेरियल यानी चीनी मिट्टी से बना होता है। ठीक है, पोर्सलेन मटेरियल से क्या बनता है हमारे पास, पिन टाइप इंसुलेटर बनता है, या सस्पेंशन टाइप भी सारे इंसुलेटर बने होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर वगैरह सारे इसी से बने होते हैं। ठीक है, और एक और चीज होती है इस वाले इंसुलेटर में कि ये वाला इंसुलेटर जो होता है अन इकोनॉमिकल होता है, 33 केवी तक ही यूज होता है। ठीक है ना, यहां पे लिख लेते हैं मेन पॉइंट, इट इज यूज्ड अप टू 33 केवी। ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, 33 केवी से ऊपर हम यूज करते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है ना, ये 33 केवी तक ही इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं, इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पीसेस ऑफ पोर्सलेन, पोर्सलेन परमानेंटली कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, एंड दिस पीस माउंटेड रिजिडली ऑन द पोल ऑफ क्रॉस आर्म विद अ पिन फिक्स्ड इनसाइड इंसुलेटर।
ठीक है, एक और ज्यादा पीस होते हैं इसमें पोर्सलेन के, परमानेंटली कनेक्टेड होते हैं, एंड दिस पीस माउंट रिजिडली ऑन द पोल्स ऑफ द क्रोसार्म विद इन अ पिन फिक्स्ड इनसाइड इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर पे फिक्स होती हैं, ठीक है, इंसुलेटर पे फिक्स होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंसुलेटर पे